मेरी जाने मन बाहर निकल आज चुम्मा 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 बस होटल हीरा पहले से निकल चुके हैं और अभी जा रहे हैं आगे यहाँ से राइट लेफ्ट टर्न की तरफ और बस चौराहा है वहाँ से देखते हैं जो मेन बस स्टैंड है CSB बस स्टॉप है ना, एक CSB बस स्टॉप करके है तो वहाँ से हम त्रिमकेश्वर के लिए बस पकड़ेंगे। तो अभी वो कैसे क्या पकड़ते हैं हमें भी नहीं पता, अभी जाकर देखेंगे कैसे क्या होता है। निवानी तो भैया निवानी चौराहे पर आकर यहाँ से अभी हमने 20 रुपये पर पर्सन के हिसाब से CVS बस स्टॉप तक जा रहे हैं, वहाँ से त्रिमकेश्वर की बस लगेगी। तो ये भैया हमें लेकर जा रहे हैं और भैया आपका शुभ नाम? चेतन भाई लेकर जा रहे हैं हमें और देखते हैं अभी आगे त्रिमकेश्वर की बस कैसे क्या मिलती है, कितनी देर में मिलती है और कितनी देर में हम पहुँचते हैं। घाट की तरफ से होते हुए आधे वक्त आने के बाद इसको वापस रिटर्न में विजिट जरूर करेंगे हम यहाँ पे। तो भाई ऐसा है कि यहाँ पे त्रंबक नाम से आपको गाड़ी की बस के ऊपर बोर्ड पे लिखा दिख जाएगा तो उस बस में आप बैठ जाइएगा, वो त्रिमकेश्वर आपको छोड़ देगी। तो भाई राहुल भाव ने हमें बताया है कि त्रिमकेश्वर पे उनका ऑफिस है, वहाँ पर आप पार्सल में अपना बैग वगैरह रखवा सकते हो। तो फिलहाल हम वहाँ पे रखाएंगे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे गाइड करने के लिए, क्योंकि नए आए हैं तो आगे जो लोग देख रहे हैं और समझ के जो है रोड पे बहुत ऊपर है, हाइट है जय, ये बहुत अच्छी गुड विशेज है जो हमें बहुत अच्छा हमारा ट्रिप कराएगी। तो धन्यवाद, चलो दीदी। दीदी टिकट कितने का है? 40 रुपए। त्रंबकेश्वर जाना है ना? हाँ 40 का एक टिकट है भैया, ध्यान रखना और आराम से आना। वैसे 1 घंटा लगेगा तकरीबन और 1 घंटे बाद में अभी हम त्रिमकेश्वर पहुँचेंगे, उसके बाद में देखते हैं कैसे क्या साधन मिलता है। कुछ भाई हमें मिले हैं, जैसे अपना ये बाबू भाई है। बाबू भाई हेलो बोलो यार। हेलो भाई, मेरे को ना तुम इंस्टा पे फॉलो कर दो, क्या बोलते हैं किस नाम से? प्रज्वल गुप्ता 2984 ऐसा कुछ है। तो ये भाई अपना नागपुर से ही है और ये अभी हमें चलते मिले थे साथ में सफर के दौरान। और हाँ देख ले एक बार, बड़ा बाबू है मचारे अभी। हाँ तो अभी यही हमारे थोड़ी हेल्प करेंगे कि कैसे कहाँ पे जाना है, क्योंकि यहाँ के लोकल और बड़े टैलेंटेड गए। कट कर दूंगा। सीधा अभी मिलते हैं त्रिमकेश्वर है ना। हाँ तो गाइस त्रिमकेश्वर पहुंच चुके हैं, पीछे आप मेरे दोस्त लोग देख सकते हैं, ये सब के लोग हरियर फोर्ट ही जा रहे हैं तो थोड़ा कंफर्टेबल है कि कैसे कहाँ जाना है। फिलहाल वो वेट कर रहे हैं, उससे पहले हम ये चाहते हैं कि एक बार अपने सामान को कहीं पे लॉकर में रख के आ जाए। तो अभी बस स्टैंड से निकल के यहाँ पर जा रहे हैं लॉकर का देखने कि लॉकर कहाँ पर मिलता है, फिर वहाँ पर सामान को रख देंगे। तो पीछे बहन ने बताया यहाँ से आगे जाते रहने का और सीधा मेरे तो आगे जाते रहने का पता नहीं, मेरे तो बोली में भी अब महाराष्ट्र आने लग गया। कोई ना, वो कहते ना किस जगह पे जाओ ज़्यादा एक जगह की लैंग्वेज सुन लेते तो वो चीज़ें अडॉप्ट होने लग जाती हैं। और अभी यहाँ से राइट लेने को बोलेगा, तुम बोला था मंदिर के आगे, मंदिर बोल रहा ये रहा त्रिमकेश्वर मंदिर, यहाँ से लॉकर का पूछते हैं कहाँ पर है। इधर त्रिमकेश्वर मंदिर के पास में भाई, इधर स्टैंड इधर है, इधर होगा नहीं है ये सर्दी लगेगी। तो भाई त्रिमकेश्वर के वहाँ पर ना जाकर के भैया के शॉप पर आए और यहाँ पर अभी हम बैग रखेंगे और अभी हरियर फोर्ट की ओर निकलेंगे। पंडित अभिलाष तिवारी जी से अभी हम मिले हैं और इन्होंने हमें ये गाइड किया कि यहाँ पर आप एक पंडित पीछे खड़ा है। तो गाइस अभी त्रिमकेश्वर से हम ऑटो लेकर निकल चुके हैं, ठीक है। जो हमारे साथ में हमें बंदे मिले थे वो उनका जल्दी निकलना हो गया और हमें हमारा सामान लॉकर में रखना था क्योंकि हम इतने सारे सामान के साथ में नहीं जा सकते थे। तो खैर कोई बात नहीं, फिलहाल उनको छोड़ के हमें टैक्सी में बैठे हैं और टैक्सी से अभी हम जा रहे हैं अपना हर्षीवाड़ा है ना, हरियर किले की तरफ, हर्षवाड़े गांव से होते हुए।
तो अभी यहाँ पे हमारा टैक्सी वाले भैया ने 800 रुपये का किराया बोला है, जिसमें 700 रुपये में हमने बात सेट कर दी है। तो कभी भी आप आते हैं तो आराम से मैं आपको इसका नंबर दे दूँगा, तो आप आराम से इस पर कॉन्टेक्ट करके बात कर लीजिएगा। तो अभी कितना देर लग जाएगा दादा पहुँचने में? तो पहुँचने में अभी 1 घंटा लगेगा, थोड़ा रास्ता ख़राब है जैसा कि ये बता रहे हैं। 12 किलोमीटर केशवर से, और अभी फिलहाल हमने कुछ 3-4 किलोमीटर कर लिया है, और इस तरफ का खराब रास्ता आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस देख सकते हैं पीछे कितना ज्यादा प्यारे रास्ते से होते हुए आ रहे हैं, आना एकदम वर्थ था, और खुद के साधन से आ रहे हैं तो आराम से रुक भी रहे और आराम से एंजॉय भी कर रहे हैं। तो पंडित और क्या क्या इको आ रहा है गाइस, क्या इको आ रहा है, मैं वेट नहीं कर पा रहा कि कब मैं आगे जाऊं और आगे जाके एंजॉय करूं। बाकी क्या जगह है, मतलब गूजबम पे गूजबम होते जा रहे हैं, और मेरी लाइफ का सबसे मैंने इतना वाव मोमेंट और इतनी वाव व्यू देखा है, टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा वर्थ। और ज़्यादा समय को वेस्ट ना करके 2-4 फोटो खींच के निकलते हैं अब हम, और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाकी ये टैक्सी वाले भैया हमारे साथ तो यही है जो हमें लेकर आ रहे हैं, और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बातें करते हुए आ रहे थे हम, और बहुत अच्छी बातें बता भी रहे थे यहाँ पे। और अभी राजू भैया नाम है इनका, और कभी भी आप आए तो सीधा मैंने आपको कॉन्टेक्ट नंबर अपने वीडियो में दिखाई दिया है, आकर कभी भी आप राजू भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और भाइयों को देखो फोटो शूट से ही फुर्सत नहीं मिल रही इनको, बस 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 कितनों का भाव में लेगा ये आवादिया, ऐसे ही नहीं आने वाली मेरे भाई। वो ये खुला आसमां, आगे चलो भाइयों, चलो चलो निकल, चलो चलो हमारा साधन पीछे देख सकते हैं आप। फिलहाल मैं अभी ऑनलाइन चेक कर रहा हूँ यहाँ पे, और बहुत अच्छा वीडियो आ रहा है, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। माता जी के मंदिर की जय हो, जय माता, जय माता दी। तो गाइस ये देखो हर्षेवाड़ी, यहाँ पे बोर्ड दिख रहा है, यहाँ से अभी हम आ रहे थे, और एक रास्ता यहाँ पे जाते हैं और एक रास्ता यहाँ हर्षेवाड़ी की, तो हमें हर्षेवाड़ी की तरफ जाना है। तो यहाँ पर अगर आप हर्षेवाड़ी की तरफ ही जाइएगा भाइयों, चलो चलो अंदर, चलो अंदर चलो। तो पीछे हर्षवाड़ी गांव है, और यहाँ पे हमें टैक्सी वाले भैया ने छोड़ दिया है, और अभी आगे जाकर देखते हैं। दादा थोड़ा आगे तक नहीं छोड़ पाओगे? इधर ही, अच्छा तो अभी यहाँ पे छोड़ दिया, और शूज़ अभी से, अच्छा और शूज़ अभी से शुरू होना, शूज़ अभी से गीले होना शुरू हो चुके हैं, और अब आगे जाते हैं और देखते हैं ट्रैक कैसा है, कितने दूरी पर, और बात करते हैं। ऐसा वसूल हो गया भाई, मैं पूछ हो गया बस, अब आते आते व्यूज़ इतने अच्छे लगने लग गए, कैसा बढ़िया लगने लग गया, अरे मज़ा आ गया। और बैग को कवर कर लिया है, एक्स्ट्रा बैग जैसा कि आपको बताया लॉकर में रख दिया, एक बैग है जो पैसे वाला वो अंदर छुपा लिया उसमें। वो देखो वो सीधा सामने की तरफ, यहाँ से ट्रैक जा रहा है, और हमें सीधा ऊपर चढ़ना है, अभी दिखना मुश्किल हो रहा होगा, हल्की सी सांस अभी से बढ़ने लग गई है। तो भैया सीधा ये ट्रेल जो जा रही है आगे होके वे उधर चढ़ाई पे जाएगी। बहुत ज़्यादा ही पतला ट्रेल जा रहा है, चाहे तो आप गाइड भी कर सकते हैं, 300-400 रुपये में गाइड भी हो जाएगा। इसकी जगह बीच में चल, पतला भी अच्छा यहाँ पे नेटवर्क गए कितना, तो गाइस एंड तक जियो के नेटवर्क टिके थे, एंड तक जियो के नेटवर्क, और वो भी जा चुके हैं, और देख सकते हैं कितना प्यारा थ्रिल वाला रास्ता लग रहा है अभी जाने जाने में, बट ध्यान से जाइएगा,
और प्लीज अच्छे शूज पहन कर आइएगा आराम से, मेरे को आराम नीचे रख भाई। चलो भैया थोड़ा ग्रिप वाले शूज। तो देख सकते हैं किस तरह की ट्रेल्स है और कितनी स्लिपरी है। जितना आसान लगता है उतना है नहीं। रुकना एक मिनट है। अच्छे से पकड़ के आना भाई। ले मेरे दोनों भाई आ गए यार। अभी तो मेरे कलर में रोज लाएंगे। क्या बात कर, आ गए। चढ़ना भारी पड़े, उतना भारी पड़े। इस साइड हो के आ जाओ। उस साइड से, इस साइड से, इस साइड से। हम चले। अरे ये भाई हालत बड़ी कस्ता है। मजा फुल। ऐसी झोपड़ी बनी दिख जाएगी। और गाइस सैटरडे संडे वीकेंड वाले टाइम पे अवॉइड करें। हर जगह जैसा इशू होता है वही यहाँ पर भी है। पुलिस वाले आना बंद करा देते हैं और पूरा धुंध हो रहा है अभी। अभी थोड़ा पतली ट्रेल स्टार्ट हो गई है। ट्रैक तो बहुत ज़्यादा प्यारा है। टॉकर की वजह से जिन दोस्तों से हम बिछड़ चुके थे फाइनली अब हम उनसे मिल चुके हैं और अब आगे का ट्रैक भी हमारा उन्हीं के साथ होने वाला है। तो स्टे कनेक्टेड, बहुत अच्छा ट्रैक होने वाला है। तो गाइस आई होप देख पाएंगे कितना ज्यादा स्टीप चढ़ाई है यहाँ पे। बहुत मेहनत होने वाली है। ओ भाई इधर हवा देख, केशव भी आ चुका है और ए पीछे हो जा भाई, पीछे हो जा। इतना तो ठीक है। ये देख सकते हैं कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन जो खाई है बहुत ज्यादा गहरी है। सेल्फी ले ले तो केशव रेडी है भाई? ऊपर से बहुत सेक्सी व्यू आने वाला है। तो रेडी है भाई थोड़ा। तो गाइस एवरीवन इज रेडी। फाइनली जो पिक पॉइंट है वहां तक आ चुके हैं और बस यहाँ से ये स्टीप सी सीढ़ियां चढ़नी है और लाइक बंदर लोग वेट कर रहे हैं। कम हमारी ऐसी की तैसी कर रहे हैं और ये माइंड डाइवर्ट कर देना, इन्होंने स्टडी में हालत खराब हो जानी है। आ जा चढ़ना आसान है, उतरना मुश्किल है भाई। फाइनली ऊपर वाले मेन पॉइंट पर पहुंच चुके हैं।